अच्छा गुरु जी, मेरी एक इसमें जिज्ञासा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे प्रलय का कंसेप्ट है कि सब कुछ विलीन हो जाएगा, जो इस्लाम के अंदर कंसेप्ट है कि वो दिन आएगा कि जब खुदा होगा सामने और वो सवाल जवाब होंगे, तो उसमें और हमारे मतलब जो परंपरा का जो वो दिन है, इन दोनों में किस तरह का साम्य है और कैसा भेद है? ऐसा है कि मुसलमान ये मानते हैं कि पहले कुछ नहीं था, शून्य था, और भगवान ने एकदम का कुन शब्द बोला तो पहले शब्द उत्पन्न हुआ। अब हम ये मानते हैं कि नथिंग में से समथिंग पैदा हो ही नहीं सकते। साइंस भी कहती है एक्स निहिलो निहिली फिट, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि भगवान के अंदर इतनी क्रिएटिव पावर है कि उसने से नथिंग में से भी शून्य पैदा कर दिया। तो जब नथिंग में से शून्य पैदा कर दिया तो अंत में भी नथिंग ही हो जाएगा वो, यानी उसके बाद दोबारा क्रिएशन नहीं होगी। एक बार जब भगवान बैठ जाएगा और सबका वो कर देगा तो जिस जिस के लिए जो जो तय करेगा वो वहीं हमेशा के लिए रहेंगे, दोबारा क्रिएशन नहीं होगी, रीबर्थ होगी नहीं। हमारे यहाँ ये है कि समय पर इतने समय तक इसका चीज़ चलेगी और इतने समय के बाद ये चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तो ये समा जाएगी उसमें और फिर नए सिरे से क्रिएशन होगी। तो हमारे यहाँ जो क्रिएटिव अनंत है हमारे यहाँ, यानी कि साइकिल है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा साइकिल है, अनंत है, इसका ना आदि है ना अंत, ना तो ये कोई बता सकता है कब शुरू हुई और ना कोई ये बता सकता है कब तक ख़त्म होगी। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और ये अनंत तक चलती रहेगी, पता नहीं कब तक चलेगी। अनंत का मतलब है विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बहुत सुंदर।